हाय नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की बायोग्राफी यानी उनकी जीवनी के बारे में। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि कंगना रनौत एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड में अपने आप को स्थापित किया है। आपको बता दें कि कंगना को 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुका है और कंगना को भारतीय सिनेमा में सबसे ज्यादा फीस पाने वाली अभिनेत्री के तौर पर भी जाना जाता है। कंगना रनौत को 5 बार फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 सेलिब्रिटी की लिस्ट में भी जगह मिल चुकी है। चलिए आपको बता दें कि कंगना का जन्म हिमाचल प्रदेश के भामला में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अमरदीप रनौत और मां का नाम आशा रनौत है। उनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम रंगोली है और एक छोटा भाई है जिसका नाम अक्षत है। चलिए बात करते हैं उनकी पढ़ाई के बारे में। तो आपको बता दें कि कंगना की पढ़ाई DAV स्कूल चंडीगढ़ से हुई थी। उनका परिवार उन्हें मेडिकल के पेशे में भेजना चाहता था लेकिन कंगना 16 साल की उम्र में ही दिल्ली आ गई थी और यहाँ उन्होंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन भी कर लिया था। चलिए अब बात कर लेते हैं उनके करियर के बारे में। तो आपको बता दें कि अपने शुरुआती दिनों के संघर्ष के समय में वो फिल्म प्रोड्यूसर महेश भट्ट के संपर्क में आई थी जिससे उन्हें अनुराग बासु की रोमांटिक फिल्म गैंगस्टर में लीड रोल भी मिला था। कंगना ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और इस फिल्म में कंगना ने दर्शकों के बीच अपनी एक अच्छी छाप भी छोड़ी थी। इस फिल्म में कंगना के द्वारा किए गए प्रदर्शन को काफी सराहा गया और कंगना को इस फिल्म के लिए साल का बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला था। इसके बाद कंगना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में भी दी। हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कंगना की कुछ सुपरहिट फिल्मों के बारे में। तो यहाँ फैशन, बाजा रहा, वो लम्हे, नॉकआउट, तनु वर्स मनु, रेडी, सिमरन जैसी अनेक हिट फिल्मों में कंगना के द्वारा काम किया गया है। कंगना की फिल्म मणिकर्णिका झांसी की रानी में उनके अभिनय की हर किसी ने तारीफ की है और उनके द्वारा किए गए इस किरदार को काफी सराहना भी मिली थी। तो दोस्तों आपको कैसा लगा कंगना रनौत के बारे में जानकर? अगर आप इनके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों ऐसे ही नई नई जानकारियों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े व चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।